हमें भी सीख लेना चाहिए कि हम आगे निकल जाए और किसी को जगह दे दें। जैसे मैं महू चले गया तो रमेश जी को जगह दे दी, अब रमेश जी की जवाबदारी बनती है कुछ। सुना आपने मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को। कैलाश विजयवर्गीय मजाक कर रहे हैं, लेकिन सियासी जानकार इस मजाक को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बयान के जरिए कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय के टिकट का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल मकर संक्रांति के दिन इंदौर में विजयवर्गीय पतंगबाजी आयोजन में गए थे। इस दौरान उन्होंने पतंग उड़ाई और वहाँ के कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। इस दौरान विजयवर्गीय के साथ रमेश मेंदोला भी नजर आए। वहीं विजयवर्गीय ने कहा कि जैसे मैं महू चला गया तो रमेश जी को जगह दे दी, अब रमेश जी की जवाबदारी बनती है कि वो देखें। देखो गर्मी लग रही है, पर 5 दिन पहले गर्मी थी क्या ऐसी, ठंड थी। पहली बार अपन ने 5 दिन पहले 6 दिन पहले स्वेटर निकाले, और जैसे ही सर्दी को ये पता लगा कि भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए वो चली गई और जगह दे दी। ठीक ही नहीं जगह थी सूर्य नारायण को, सर्दी गायब हो गई। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि सर्दी ने स्थान दे दी सूर्यनारायण देवताओं को, तो हमें भी सीख लेना चाहिए कि हम आगे निकल जाए और किसी को जगह दे दें। जैसे मैं महू चले गया तो रमेश जी को जगह दे दी, अब रमेश जी की जवाबदारी बनती है कुछ। इस दौरान ही इशारों इशारों में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब हम पतंग उड़ाते हैं और किसी की पतंग कटती है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब हमारी कटती है तो हमें भी बड़ा दिल रखना चाहिए। बिस्तोलिया खेलेंगे हम, अभी गुल्ली डंडा खेलेंगे, सब खेलेंगे, खेल खेलेंगे, पतंग भी उड़ाएंगे, कभी किसी की काटेंगे, कभी अपनी कटेंगे। तो किसी की काटेंगे तो खुश होते हैं, अपनी कटती है तो भी जरा बड़ा दिल रखना चाहिए। दरअसल 2008 में विजयवर्गीय ने मेंदोला के लिए अपनी विधानसभा 2 की सीट छोड़ दी थी। उन्होंने महू से चुनाव लड़ा था और जीते थे। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में विजयवर्गीय अपने बेटे आकाश को विधानसभा 2 से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन ये सीट मेंदोला के लिए पक्की हो चुकी थी। मेंदोला इस सीट से सबसे ज्यादा वोटों से पहले भी जीत चुके थे और उनका ये गढ़ माना जाता है। तब राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि आकाश को विधानसभा 2 का टिकट संभव नहीं हो सका और उन्हें विधानसभा 3 से टिकट मिला। हालांकि आकाश यहां से जीत गए थे, लेकिन चुनौतियां काफी रही। इसके बाद से उन्हें अगली बार विधानसभा 2 से ही टिकट को लेकर चर्चाएं चलती रही, लेकिन इस बार टिकट ही नहीं मिला। विजयवर्गीय ने भले ही ये बात पहले कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं की, लेकिन आज माहौल ऐसा था कि उन्होंने ऋतु के बदलने का उदाहरण भी दे दिया। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट MP तक।